So students, today we will read the first lesson of our book, and this first lesson name is Ice Cream Man. So Ice Cream Man. So what is cold, sweet and creamy? What is cold, sweet and creamy? And wonderful to eat. What is cold? Cold माने ठंडी, sweet मीठी and creamy जो है cream की तरह हो और बहुत ही अच्छी हो खाने में. Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. जो सबकी पसंदीदा चीज जो होती है, everyone's favorite, सबकी पसंदीदा, जो सब कोई हर कोई खाने को पसंद खाने में पसंद करता है, वो है आइसक्रीम. आइसक्रीम कब खाते हैं? मोस्टली हम जो है गर्मियों के दिनों में आइसक्रीम खाते हैं. हॉट समर डे में हम आइसक्रीम खाते हैं. एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन. आइसक्रीम मैन यहाँ पे है जो आइसक्रीम लेके आता है, आइसक्रीम वाली जो गाड़ी लेके आते हैं, जो ठेला लेके आता है, रेडी लेके आता है, जो है जो बंदा उसको, वो हर किसी का उसको पसंद करता है क्योंकि वो उनकी पसंदीदा आइसक्रीम लेके आता है. तो हम देखते हैं, when summers in the city, summers in the city, जो शहर में गर्मी जब हो जाती है, और and bricks blaze of heat, जो सबके घर जो हैं, जो ईंटों के बने होते हैं, वो गर्मी से तपने लगते हैं, ठीक है ना? तो आइसक्रीम मैन विद दिस लिटिल कार्ट, जो आइसक्रीम मैन जो होता है वो अपनी छोटी सी जो गाड़ी होती है, जो आइसक्रीम की जिसमें आइसक्रीम रखी होती है, वो लेके आता है, गोस ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, वो सड़क पे लेके जाता है. ट्रंडलिंग माने होता है कि जो आपने गाड़ी, आइसक्रीम की जो गाड़ी होती है उसके टायर देखे होंगे, छोटे छोटे बने होते हैं, और जब वो चलते हैं तो वो गड़गड़ करके वो आवाज करते हैं, ठीक है? तो उस आवाज को, वो छोटे छोटे टायर के चलने की आवाज को ट्रंडलिंग कहते हैं. ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट. बीनीथ माने होता है किसी चीज के नीचे. हम यहाँ पे हम बात करें अम्ब्रेला के नीचे. बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला. ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट. उसके गोल अम्ब्रेला, जो छाता जो होता है उसके नीचे, एक बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलता है, जॉयफुल साइट देखने को मिलता है. टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट. तो हम जो अच्छा दृश्य जो हमको देखने को मिलता है, वो होता है कि जो वो आइसक्रीम के जो कोन होते हैं, जो सॉफ्टी होती है, उसको वो भरता है किससे? ब्राउन और वाइट आइसक्रीम से. ब्राउन और सफेद रंग की जो आइसक्रीम होती है उससे वो जो है कोन को, आइसक्रीम कोन को भरता है. तो अलग अलग तरह के जो फ्लेवर जो होते हैं, वो होते हैं वनीला के, चॉकलेट के और स्ट्रॉबेरी के, जो है ये अलग अलग तरह के फ्लेवर होते हैं. और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, कई बार जो है आइसक्रीम मैन के पास जो है ठंडी ठंडी चीजें पीने के लिए भी होती हैं. फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ठीक है? तो वो जो फ्रॉस्टी फिज, जो ठंडी ठंडी चीजें पीने की होती हैं, वो कभी कोई हरे रंग की होती है, कोई संतरे रंग की होती है, कोई सफेद रंग की होती है, कोई गुलाबी रंग की होती है, या ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, अलग अलग तरह की वो होती है. His cart might be a flower bed. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो उसका जो कार्ट होता है, जिसमें आइसक्रीम रखी होती है, वो बच्चों के लिए एक बहुत ही मनमोहक चीज होती है. सब उसको पसंद करते हैं क्योंकि उसमें आइसक्रीम भरी होती है. यहाँ पे तो
of roses and sweet peas. The way children cluster around as thick as honeybees. जो बच्चे जो हैं वो उसके चारों ओर एक मधुमक्खी की तरह सारे झुंड बना के क्लस्टर झुंड क्लस्टर माने झुंड बना के जो है वो खड़े हो जाते हैं और जैसे कि शहद के चारों ओर जो है मधुमक्खी जो है झुंड बना के खड़े हो जाती हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने कौन कौन से नए शब्द यहाँ पे सीखे हैं। तो न्यू वर्ड्स जो हमने यहाँ पे सीखे हैं, सबसे पहला वर्ड जो सीखा है वो ब्लेज, BLAZE, ब्लेज जो है जो हमने सबसे पहला वर्ड सीखा है। तो इसका मतलब होता है ब्राइट फ्लेम और फायर। ब्लेज माने होता है जो आग जो जल रही होती है उसको हम ब्लेज कहते हैं, ठीक है ना। ब्लेजिंग जो सूरज जल रहा होता है, सूरज की जो किरणें गर्म गर्म किरणें होती हैं, कोई भी चीज जो गर्म गर्म तेज गर्म होती है उसको हम ब्लेज के नाम से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ट्रंडलिंग माने मूविंग ऑन ए ब्रॉड व्हील, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स। छोटे छोटे पहियों पे चलने को हम ट्रंडलिंग कहते हैं। माउंट्स, माउंट्स माने माउंट्स को हम हीप भी कहते हैं, पाइल भी कहते हैं। इन सबका मतलब जो होता है वो ये होता है कि एक छोटा सा एक के ऊपर एक चट्टान सी, एक छोटी सी पहाड़ी सी हीप सी बना देते हैं, उसको हम माउंट कहते हैं। नाउ फ्रॉस्टी फिज, फ्रॉस्टी फिज का मतलब होता है कि चिल्ड ड्रिंक मेकिंग ए हिसिंग बबलिंग साउंड। जो लाइक हम सब ने कोल्ड ड्रिंक कई बच्चों ने पी होगी, कईयों ने नहीं पी होगी, जिसके तो जब हम कोल्ड ड्रिंक होते हैं तो एक बड़ी झाग झाग से उसमें निकलते हैं, तो उसको उस ड्रिंक को जो झाग झाग निकालती है वो फिज करके साउंड करती है, उसे हम फ्रॉस्टी फिज कहते हैं। तो पांचवा वर्ड जो हमने सीखा है वो है क्लस्टर। क्लस्टर माने होता है गैदर्ड अराउंड। जो बच्चे जो हैं वो जो है आइसक्रीम मैन की जो कार्ट होती है उसके चारों ओर झुंड बना के खड़े हो जाते हैं और इनको एक वो सबसे लुभावनी चीज लगती है। क्लस्टर तो जो है हम एक ही तरह की जो चीज होती है जो एक जगह इकट्ठी हो उसको हम उसको भी हम क्लस्टर कहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। किस मौसम में, इन विच सीजन, सीजन माने मौसम, जो है आइसक्रीम जो है पॉपुलर होती है, किस पॉपुलर किस मौसम में आइसक्रीम सबसे ज्यादा मशहूर होती है, सबसे ज्यादा लोग खाते हैं, वो है जो हमारे पास आंसर है वो है इन समर सीजन। गर्मियों के मौसम में जो है आइसक्रीम सबसे ज्यादा मशहूर होती है, सबसे ज्यादा लोग उसको खाना पसंद करते हैं। हु फील्स joyful on seeing the ice cream man, कौन खुश होता है ice cream man को देख के, इसका मतलब ये है। तो ice cream man जो है यहाँ पे ice cream वाला है, ice cream वाले को देख के कौन खुश होता है, everyone जो यहाँ पे हमारा book में जवाब दिया हुआ है वो ये है कि ये दिया हुआ है everyone, ठीक है ना, everyone's favorite is the everyone's favorite person is the ice cream man। तो हर कोई जो ice cream man को देखे खुश हो जाता है। हम चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, name the different flavors of ice cream the ice cream man has in the cart। डिफरेंट फ्लेवर्स माने अलग अलग तरह के, कौन कौन से फ्लेवर, कौन कौन से टेस्ट स्वाद वो की तरह की आइसक्रीम वो आइसक्रीम मैन अपनी कार्ट में लेके आता है। तो उसका जवाब है वेनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। तीन तरह के जो है वो फ्लेवर लेके आता है, वेनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी।
चौथा सवाल हम देखेंगे, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। तो पहली चीज तो जो आइसक्रीम मैन सेल कर रहा है वो है आइसक्रीम, और दूसरी चीज जो है वो सेल कर रहा है वो है फ्रॉस्टी फिज या ठंडी बोतल, ठंडे पानी की बोतल। दो चीज जो उसने सेल करी है वो है ठंडे पानी की बोतल। सो व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ड कंपेयर्ड टू इन द पोएम। हमने आइसक्रीम कार्ड को किस से कंपेयर करा है, कि हमने आइसक्रीम कार्ड को क्या बताया कि वो किस तरह की लगती है। तो इसमें इसका जवाब है, इट माइट बी ए फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज। फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज से हमने उसको कंपेयर करा है कि यार उसको एक गुलाब और मटर के दाने की तरह वो जो है उसको लगती है। Having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. यहाँ पे जो कह रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में हम सब आइसक्रीम इंजॉय करते हैं, ठीक है ना, सबके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग और एंजॉयबल थिंग होती है। ऐसी हम यहाँ पे कुछ चीजें लिखें जो कि हम सर्दियों के मौसम में इंजॉय करते हैं। सर्दी के मौसम में हम क्या क्या चीज इंजॉय करते हैं वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो सर्दी के मौसम में अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज इंजॉय करते हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि हम यहाँ पे हॉट कॉफी, हॉट कॉफी, गर्म चाय, कॉफी जो है हम सब कोई इंजॉय करते हैं। एंड सेकंड थिंग जो वी ऑल इंजॉय इज हॉट मिल्क। हर कोई जो है दूध पीना पसंद करता है, ठीक है ना। छोटे बच्चे के अक्सर जो दूध पीना पसंद नहीं करते, जबकि उनकी सेहत के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है। तो हम सभी को दूध पीना चाहिए, और सर्दियों के दिनों में खासकर जब अच्छी ठंड पड़ रही होती है तो हमें हॉट मिल्क जरूर पीना चाहिए। तो वी शुड इंजॉय इट। ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी एंजॉय। सो यू ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बाय कमेंटिंग मी under the video as to what are the things that you enjoy in the winter season. So my dear friends, my dear students, hope you understand this poem. If you have any question related to this poem, then you can contact me on Google Hangout, or you can chat me with me here in YouTube, and I will try to answer your questions as good as possible. And if you need personal coaching, then also you can contact me on the Google Hangout. I will mention the my Google Hangout ID in the description. So in case you have any query or you have not understood anything in this poem of Ice Cream Man, then you can contact me anytime and I will try to answer it as best as I can. So I will come back with another poem, another lesson. Till then, take care, bye bye, and enjoy.